हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट कार्निवल। तो जी, जिस बात की कि उम्मीद हमने कल ही आपको बता दी थी कि मैच आज के दिन खत्म हो जाएगा, वैसे ही मैच खत्म हो गया। देखिए जी, इंडिया अब WTC चैंपियनशिप के टॉप पर पहुंच चुका है विद 68.5 परसेंटेज पॉइंट्स, एंड टू बी ऑनेस्ट ये मेरे 12th के परसेंटेज से कम है। जी हाँ, कितना आया था ये मत पूछो, पर ब्राइट बच्चा था मैं। और उसके बाद में देखिए, मैच की थोड़ी सी यदि बात करें तो मैच बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि एक बॉलीवुड की पिक्चर होती है, अनइंटरेस्टिंग। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही मैच था। क्योंकि देखिए, मैच शुरू हुआ, पहले ऐसा लगा कि कोई उम्मीदें होगी, इंग्लैंड वाले कुछ कमबैक करेंगे, मगर उन उम्मीदों पे पैसे ही पानी फिर गया, जैसे हर बार फिरा है पूरी सीरीज के अंदर। बेसबॉल वाले अब अपना छोटा समूह लेके वापस इंग्लैंड जा रहे हैं। वो इंग्लैंड में जाएंगे, श्रीलंका आएगी जून में, उसको अच्छे से पेलेंगे। बीच में T20 वर्ल्ड कप है, अगर उसमें कुछ अच्छा कर लिया तो ठीक है, वरना तो जैसे चल रहा है वैसे चल ही रहा है। क्योंकि बेसबॉल के अंदर लोगों को क्रिटिसाइज करना मना है, ये कहा है बेन डकिट और बेन स्टोक्स नहीं। उसके बाद में यदि थोड़ी सी इंडियन टीम की बात की जाए तो गेल और रोहित शर्मा ने शानदार सी सेंचुरियां लगाई। सरफराज, जायसवाल और देवदत्त पाडिकल तीनों नए बच्चों ने अच्छे से मस्ती की, बिल्कुल फन किया। और देखो यार, टेस्ट क्रिकेट की एक बात है कि बैटिंग को एंजॉय तो वही लोग करते हैं जो नीचे खेलते हैं, ऊपर वाले तो बेचारे बॉल पुरानी करने में लगे रहते हैं। वही था, नीचे वालों ने अच्छे से बैटिंग एंजॉय की, बीच में कोलैप्स हुआ, मगर शायद कुलदीप ने अपने अंदर का पता नहीं कौन सा बैट्समैन निकाल दिया, क्योंकि मैं किसी बैट्समैन का नाम नहीं लूंगा वरना उसके फैंस ऑफेंड हो जाएंगे। इंडिया की बॉलिंग की बात करें तो कुलदीप यादव और रविचंद्रन अश्विन वैसे पंजे खा रहे हैं जैसे कोई मॉन्स्टर खा रहा हो, क्रीपी और हॉरर मूवी वाली जनता। पंजे मतलब 5 विकेट्स, इसलिए आप मुझे क्रीपी ना कहें। बाकी ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी खबरें फिर पाने के लिए और थोड़ी बहुत शुगर मेले के लिए आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। नीचे एक ऊपर वाले अंगूठा यानी कि थम्स अप का बटन है, उसको भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की रीच बढ़ सके। और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं